वेलकम फ्रेंड, मैं हूं विवेक कुमार। क्यू एंड ए क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे स्पेशल एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5। दोस्तों, ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी, जो खासकर जो सीवी टू एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि ठोस में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो ठोस में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो ये जो होता है लगभग 1000 ओम के बराबर होता है। मानव शरीर का जो मानव बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो होता है रेजिस्टेंस, वो 1000 ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो ये लगभग 6.24×10^18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। यदि आप इसे एक्सप्लेन करें हम, तो देखिए कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि क्यू बराबर जो होता है एन ई, जहाँ क्यू क्या होता है, एक चार्ज होता है, आवेश होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो हमारा दिया गया है कि यूनिट आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो आवेश यहाँ के यूनिट रख देंगे 1, और एन और इलेक्ट्रॉन की आवेश जानते हैं 1.6×10^-19। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 1/1.6×10^19। और इसे हम एक्सप्लेन और डेराइव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 6.24×10^18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब चौथा। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि गैसों में धारा का प्रवाह किस कारण से होता है। तो दोस्तों, गैसों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ये तीनों के कारण इसमें गैसों में धारा का प्रवाह होता है। लेकिन ठोस में किस कारण से होता है, तो ठोस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन है कि धारा दाब यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर इनमें से क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो वोल्टेज है विभव को इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर निम्न से कौन सा होता है। तो ये पोटेंशियल या वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छठा कि चालक मतलब कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो एक कंडक्टेंस एक कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। तो इसके कारण ही किसी कंडक्टर में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चालकता कंडक्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तो को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। यदि कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करें तो कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा 1/R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अगर मात्रक हम निकालेंगे तो इसका पर ओम होगा मात्रक, या इसको स्पेशल यूनिट के द्वारा इसे मोहो भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आठवां कि यदि ताप को बढ़ाया जाए तो शुद्ध धातु का प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों, जो शुद्ध धातु का क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि टेम्परेचर को इनक्रीज करेंगे तो किसी प्योर मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो जो अर्धचालक होते हैं उसके प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो कार्बन यहाँ एक अर्धचालक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दसवां कि ओम का नियम निम्न में से किस में उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, जो वैक्यूम ट्यूब होते हैं उसमें ओम से लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्यारहवां। तो दोस्तों, ग्यारहवां क्वेश्चन है कि निम्न में से भैरिस्टर कहलाता है।
तो दोस्तों जो वैरेक्टर होता है ये नॉन लीनियर रजिस्टर होता है, यानी कि जो क्या होता है इसका रजिस्टर का जो होता है इसका रेजिस्टेंस होता है नॉन लीनियर होता है। तो नॉन लीनियर रजिस्टर वाले क्या कहलाते हैं, वैरेस्टर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस तत्व या पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। तो दोस्तों ये मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों एम्पियर सेकंड जो होता है ये चार्ज का मात्रक है। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, आई क्या है करंट, टी क्या है टाइम। तो करंट का मात्र होता है एम्पियर और टाइम का सेकंड, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कि किसी चालक में ताप किस कारण से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों किसी चालक कंडक्टर में जो ताप उत्पन्न होने का मेन कारण है कि उसमें रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस के कारण ही किसी भी कंडक्टर में ताप उत्पन्न होता है। आप जानते होंगे कि एच बराबर क्या होता है, जूल्स ला, इस जूल्स ने एक नियम दिया था कि जूल्स के नियम के अनुसार आई स्क्वायर आर टी, इसके अनुसार किसी कंडक्टर में हीट उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है। तो जहाँ एच क्या है हीट, आई क्या है धारा, आर क्या है रेजिस्टेंस, टी क्या है टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पंद्रहवां क्या है कि इनमें से कौन सा परिमाण यानी कि क्वांटिटी सीरीज सर्किट में स्थिर होता है यानी कांस्टेंट होता है। तो ये सीरीज सर्किट में दोस्तों सीरीज में हमेशा करंट का मान होता है ये हमेशा समान होता है, स्थिर के मतलब समान, कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है कभी, किसी भी कितने भी प्रतिरोध हो, अगर कोई 2 ओम का प्रतिरोध हो इसके सीरीज में या कोई 4 ओम का प्रतिरोध हो, तो इस सारे से क्या होता है, एक ही करंट, अगर कोई 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो ये 4 एम्पियर की धारा दोनों प्रतिरोध में प्रवाहित होंगे, अर्थात इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, प्रतिरोध बंद परिपथ है यानी कि कोई क्लोज सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे, कोई कंडक्टर है उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसे कोई बैटरी या कोई एनर्जी से हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये बंद हुआ। तो बंद में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, अर्थात इसे नेग्लिजिबल माना जाता है। अगर रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, अगर ज़्यादा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस तो ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा, इसलिए अगर इसका मान जितना कम रहेगा उतना अधिक करंट फ्लो करेगा, अर्थात किसी बंद परिपथ में क्या होगा होता है रेजिस्टेंस का मान तो ये लगभग 0 ओम के बराबर होता है। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17वां कि यदि किसी मशीन की दक्षता यानी कि इफिशेंसी उच्च रखना हो तो निम्न में से किसका मान को कम करना होगा। तो दोस्तों यदि किसी मशीन है, कोई भी मशीन हो, किसी प्रकार का मशीन हो, अगर उसका एफिशिएंसी क्या होना हाई रखना है तो उसमें जो लॉसेज है उसको कम कर देंगे, यानी कि जितना कम हो उतना अधिक वह एफिशिएंट होगा, यानी कि दक्षता होगा उसमें, यानी काम करने की ज़्यादा शक्ति होगी उस मशीन की, अर्थात वह लॉसेज को कम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी मैग्नीट्यूड को कम करके धारा का मान बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों धारा होता है ये रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा उतना अधिक किसी सर्किट में धारा फ्लो करेगा। अभी मैं बताया कि यदि कोई सर्किट है इसे कोई सोर्स से हम एनर्जी सोर्स से जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा उतना अधिक मात्रा में करंट का फ्लो होगा, हमारा आउटपुट मिलेगा, अर्थात क्या कहेंगे, इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसके मान उच्च होने से बंद परिपथ में भी स्पार्किंग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो स्पार्किंग उत्पन्न होने का मेन कारण है, ये मेन कारण है क्या, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व के कारण ही किसी सर्किट में स्पार्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। ये इंडक्टेंस जो होता है, प्रेरकत्व जो होता है, इसके कारण ही किसी सर्किट में स्पार्क उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20वां, कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है जब प्रवाहित विभव बढ़ाया जाए। तो दोस्तों जब वोल्टेज को बढ़ाया जाए, तो अगर कोई कार्बन फिलामेंट लैंप है तो उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, तो उसका मान डिक्रीज करता है, घटता है। ठीक है, डिक्रीज करना मतलब घटना, ठीक है, कम होना, इसलिए क्या होता है, घटता है। यानी कोई कार्बन फिलामेंट लैंप है और उसमें अगर प्रवाहित वोल्टेज का मान क्या होगा, उसको हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, यदि हमारा वीडियो पसंद लगा होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो देख रहे होंगे इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन का भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन